हम सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं आज रायगढ़ एंड अभी जस्ट हम निकले। चलो 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 वाओ गाइस, आप एक नजारा देख सकते हो। आप मेरे पीछे देख सकते हो नज़ारा कितना ज़्यादा बढ़िया हो चुका है एंड हम जा रहे हैं रायगढ़, तो बस अभी थोड़ा सा ही दूर रह गए। इधर का भी व्यू देखो। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं शाबू, आज सबका उपवास है, सबका मेरा भी है, आज एकादशी है तो हम सबका उपवास है, तो बस कुछ फ्रूट्स और हम शाबू खा रहे हैं। देखो मम्मी ने सब घर से बना के लाई है सब। सो हमारा नाश्ता जो है वो हो चुका है और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं रायगढ़ के लिए, यहाँ से बहुत पास रह गया है अभी, तो चलो चलते हैं। ये देखो आज हमारे साथ भैया भी आए। थोड़ा पास नहीं होता, वो थोड़ी दूर रह गए। हाँ थोड़ा सा दूर रह गया है, मतलब पास में ही रह गए। तो अभी हम आ चुके हैं पोलकपुर में, यहाँ पर भैया के घर, और ट्रैवलिंग में तो इतना ज़्यादा थक चुके हैं। सुबह 8 बजे से हम ट्रैवल कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं एक बजे यहाँ पर हम पहुँचे, तो अभी हम यहाँ पर फ्रेश होने वाले, फिर यहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है। तो घर से हम ऐसे प्लान करके आए थे कि हम आज जाने वाले रायगढ़, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पूरा प्लान कैंसिल हो गया। भैया के घर रुके, वहीं पर हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो फिर हमने सोचा कि पोलादपुर के आसपास में जो भी लोकेशन है हम वहाँ चलते। तो फर्स्ट हम ये लोकेशन देख सकते हो, मेरे पीछे कितना ज़्यादा डैम में पानी आ चुका है। आप यहाँ का पूरा नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये देखो इस साइड है डैम, इस साइड से है पहाड़ी एंड इधर से भी पानी बह रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखो अगर वहाँ बैक साइड पे उस डैम पे अगर हम जाएंगे तो बहते बहते कहाँ आएंगे आपको दिखाती हूँ, रुको। ये देखो बहते बहते हम यहाँ तक आएंगे, इसलिए हम जा ही नहीं रहे, क्यों जाना फिर वहाँ से इधर आना है। तो अभी यहाँ पर हम रील शूट कर रहे हैं, सुबह से कहीं पर मिल नहीं किया। हम यहाँ पर आपको सच बताती हूँ, हम यहाँ पर 1 बजे आए थे, लेकिन अभी 5 बजे यहाँ पर आए हैं, बस सो गए थे सब लोग। तो हम जो है डैम से बहुत दूर थे और दूर से ही फोटो वीडियोस निकाल रहे थे। साक्षी के रियाई से थार कब आएगी? कैसा क्वेश्चन पूछा। तो अभी हम यहाँ से दूसरे लोकेशन पर जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे। देखो हमारी तीन गाड़ियाँ, सब तीनों गाड़ियों पे आ चुके हैं हम यहाँ पर। तो ये मेरे मम्मी और भाई के जैसे डुप्लीकेट, लेकिन वो नहीं है, ये हम नहीं, ये नहीं है, ये बहुत खड़ूस लोग है। अरे नहीं, मैं वो साक्षी राठौर नहीं हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, अरे क्या नजारा दिख रहा है सच में। देखो पूरे जंगल में से आए हैं और अभी उधर ही वापस जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे, एंड आप रास्ता देख सकते हो पूरे जंगल में से, व्यू इतना ज्यादा बढ़िया है, आप देख सकते हो, बस आप इंजॉय करो। रियल में इंजॉय कर रहे हैं आप, मेरे वीडियो में इंजॉय करो। कहाँ गए? ये देखो बारिश भी होने लगी है, ये मेरी माँ पीछे से आ रही है, मुझे तो पानी में भीगने भी नहीं दे रही, बारिश में भीगना मना है मेरे लिए। वाओ यहाँ ना बीच बीच में घर दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है आज गाड़ी पे पूरा बुक रहा है, बस गाड़ी पे ये घाट का व्यू देखना है, सच में बुक हो चुका है। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं अभी, ये महाबलेश्वर का रास्ता है, लेकिन हम वहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से। गिर जाएगी नीचे, गिर जाएगी तो हाँ मोबाइल गिर जाएगा ना, फोटो इम्पोर्टेंट है क्या? मोबाइल ले लिया दूसरो, लेकिन बहुत ब्लैक यहाँ से, हाँ यहाँ से अभी एकदम क्लियर दिख रही है, गोरी गोरी, बहुत जोरों की बारिश आने लगी है, एक साथ भीगने के लिए तैयार हो जाओ। हम ऐसे हैं, एक तो आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, किधर भी जाएंगे तो बहुत दूर है, बीच में आके रुक गए हम, लेकिन यहाँ पर भी हमें बहुत मजा आया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है हमें, सच में हम पूरे भीग गए हैं। चलो अभी यहाँ से भी हम आगे चलते, थोड़ा थोड़ा स्पॉट पे रुक रहे हैं हम, जहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है लोकेशन वहीं पे रुक के फोटो वीडियो निकाल रहे हैं और आगे चलेंगे। चलो मजा आ रही है, बहुत मजा आ रहा है, ओए मजा आ रहा है क्या भाई?
यहाँ देखो कितना बढ़िया वॉटरफॉल है और अभी हम इसमें भीगने वाले हैं। कौन कौन रेडी है? मैं तो नहीं हूँ। मैं भी नहीं। ठीक है, मैं भीग जाऊंगी, जाऊंगी मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ वॉटरफॉल के नीचे। चलो उधर से जा। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज, तो बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं। उस वाटरफॉल के नीचे मैं भीगी हूँ ज़्यादा, और मुझे मम्मी की डांट भी पड़ी है। तो अभी हम आ चुके हैं घर पर। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। तो हमारा प्लान इस वजह से कैंसिल हुआ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है, और ऐसे सिचुएशन में कहीं भी जाना बहुत ही रिस्की हो सकता है। इसलिए ना हम महाबलेश्वर गए ना रायगढ़ गए, जो भी हमें आसपास का लोकेशन था बस हम वहीं पर घूम कर आ गए, और ऐसे वक्त में कहीं जाना भी नहीं चाहिए। तो बस इसी वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया। और व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।